नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। ये खबर नगर पंचायत बदलापुर जौनपुर के भलुवाही निवासी भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के जिला महामंत्री साहबलाल चौधरी का अपने पड़ोसी से ज़मीनी विवाद चल रहा था। विपक्षी द्वारा फ़ोन करने पर 112 नंबर पुलिस मौके पर पहुंचकर साहबलाल को कोतवाली बदलापुर लेकर पहुंची। कोतवाली में मौजूद अपराध नियंत्रक SO तथा एक SI ने साहबलाल चौधरी के साथ अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हुए बंदीगृह में बंद कर दिया, जबकि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि कोतवाली में मौजूद अपराध नियंत्रक SO हरिनाथ भारती तथा SI कश्यप कुमार सिंह ने साहबलाल चौधरी को गाली गलौज देते हुए अपमानित किया और कहा कि तुम्हारे जैसे नेता बहुत देखे हैं हमने। बदलापुर विधानसभा के समस्त पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचकर अपने कार्यकर्ता के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर धरने पर बैठ गए और दोनों पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग करने लगे। लगभग 6 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी धरने पर बैठे रहे और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते रहे। कहा कि जब तक पुलिस कर्मियों को निलंबित नहीं किया जाएगा तब तक हमारा प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा। बदलापुर क्षेत्र अधिकारी चोप सिंह तथा कोतवाली प्रभारी पवन सिंह उपाध्याय द्वारा काफ़ी देर तक समझाने के बाद आश्वासन देते हुए धरना प्रदर्शन को समाप्त करवाया। साहबलाल चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और अनुसूचित मोर्चा के जिला महामंत्री हैं, हमारे मीडिया प्रभारी भी हैं, उनको आज यहाँ एक क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर हरिनाथ भारती जी अनायास उनके दो भाइयों पटीदारों का आपसी जमीन का मामला था, बुलाकर उनको लात घूसे मारकर बहुत प्रतिबद्ध गालियां देकर उनको बंद कर दिए और सरकार को भी अनाप शनाप कहे। माननीय विधायक जी के प्रति भी उन्होंने अब शब्दों का प्रयोग किया, जो करना हो कर ले, ऐसे विधायक आते जाते रहे। हम लोगों की इस पर बहुत आक्रोश है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बताने के नाते व्यक्ति को यहाँ बंद किया गया और जो बंद किया गया आज हम लोग यहाँ धरने पर, जब तक आक्रमण नहीं किए जाते हैं हम लोग यहाँ बैठेंगे। ये खास रिपोर्ट थी कैमरामैन कृष्णा के साथ संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।